अच्छा, कौन से क्लास स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? नर्सरी में है ये। नगर निगम के स्कूल में है क्या? यही सामने पीछे। नहीं, नगर निगम का स्कूल है, नगर निगम का। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि इसको हमने वो करा, ठीक है ना, एडमिशन, तो उन्होंने लिख के हमसे ले लिया कि भैया अगर तुम्हारे बच्चे कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने दे दिया। मैंने, हम होते होते मिलते रहेंगे बच्चे से, तो हम जाते हैं, जैसे हम इच्छा करती है कभी, हो सकता है कोई अटैक नहीं पड़ जाए, कुछ भी है, तो हमसे उनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो और भी हैं, कहते हैं बार बार आते क्यों हैं। अब एक बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर तो मुझे याद नहीं है। कई बात नहीं है, कई बात नहीं है। तो यही वो समस्या, देखो अब मान के चलो इसको कुछ हो जाता है बीच में, तो स्कूल कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, एक 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 छोटा सा चिट्ठी आप इनकी लिखो, लेटर बना ले, मेरे नाम लेटर बना ला, मैं उनको भेज दूंगा और आपको वो अलाउ कर देंगे, ठीक है? बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे, नहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं करा दूंगा, ये लो मेरा कार्ड दिया मैंने आपको, तो अब बीच बीच में अपने बच्चे से मिल, हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, आपको मैं आपको पूरी परमिशन दिला दूंगा मैं, डोंट वरी। और तो और अगर एक और काम हो जाए तो बहुत अच्छा, जैसे मेरी लड़की है बड़ी है, वो लालवाड़ी स्कूल में पढ़ती है, उससे भी सारी मशीनें वगैरह चलानी आती है, तो अब अगर इसके यहाँ से अगर ये लोग ट्रांसपोर्ट वहाँ के लिए कर दें, तो ये कि लड़की बीच बीच में अपने, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा, मतलब बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए। नहीं सर, वो नहीं, सर वो दे में मतलब हाँ, नर्सरी में या जो भी पहली क्लास में जो भी है, तो लड़की अपना आप देखती रहेगी, लड़की जो स्कूल में पढ़ती है वो उसी में, ये सर्वोदय में, वो सर्वोदय में ना, आमने सामने है सर, आमने सामने है, नगर निगम पांचवीं तक। इनका कहना ये है कि अगर ये उसके अंदर एडमिशन हो जाता है इसका, तो वहाँ से बच्ची ये उसे देखते रहेगी। पहले तो हम हमें एक चिट्ठी लिखना कि हमें इजाजत दी जाए वहाँ पर इसको हर वक्त मिलने के लिए, ये सब लिख देना मेरे को कि ऐसे ऐसे मिलने नहीं देते हैं, तो मैं पहले तो ये कराता हूँ, फिर दूसरी बात उसके बाद उसकी देखते हैं, दूसरी वाली भी देखते हैं, अगर वहाँ हो जाएगा तो पांचवी के बाद तो ये चला जाएगा, लेकिन अभी देखते अभी इसको पंप लेना नहीं आता है ना, चक्कर ये आप दो चिट्ठी अलग अलग लिखना, ठीक है? एक चिट्ठी तो सिर्फ ये लिखना कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, दूसरी जाना चाहिए मेरी बेटी फलानी क्लास में। हेलो हेलो बेटे, ये पढ़ती ये सब सामान लेगी, अभी सो तो ये आपके स्कूल में आ जाए तो अच्छा रहेगा, कोशिश करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन एमसीडी से तो आपको परमिशन दिला देंगे ना।